ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सदस्य स्टारफिश या से स्टार और जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ऑस्ट्रेलियस। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे ये इसका जो है पृष्ठतल है। पृष्ठतल का मतलब क्या हो गया, इसका पीठ वाला भाग, ठीक ना। और ये अधर तल का मतलब इसका पेट वाला भाग, मतलब इसके शरीर में हम कह सकते हैं कि ऊपरी और निचला भाग क्या होता है, स्पष्ट होता है, मतलब देख के आप बता सकते हैं ये ऊपरी भाग और ये निचला भाग, ठीक है ना। बात समझ आई। तो बात करते हैं इसके शरीर में जो है, आप देख रहे हैं कि पांच भुजाएं दिखाई दे रही, 2, 3, 4, 5। एक क्वालिटी इसमें स्पेशल पाई जाती है कि यह जो है अपने शरीर में जो है पांच भुजाओं में से एक भुजाओं को स्वतः तोड़ सकता है और फिर से जो है उसको जनरेट भी कर लेता है, ठीक है ना। ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल हैं। तो चार भुजाओं को बचा के रखता है, एक भुजा जो है अपनी ये कभी भी तोड़ सकता है, ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है। अब बात की जाए तो इसका जो है शरीर देख रहे हैं आप, ये पृष्ठतल मतलब पीठ वाला भाग, पृष्ठतल का मतलब पेट की तरफ है ना, ऊपरी सतह, और अधर तल का मतलब जो पेट वाला भाग या निचला सतह, ठीक ना। अगर हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें तो पीठ वाला भाग और पेट वाला भाग है ना, तो ये हमारा पृष्ठ भाग हो गया। पीछे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलेंगे, पृष्ठ भाग, और जो पेट वाला भाग उसको क्या बोलेंगे, अधर तल। तो पृष्ठतल और अधर तल क्या होता, समझ आ गया बस। ठीक, पृष्ठतल में आप देखेंगे तो इसके शरीर पर जो है ये आर्म्स का मतलब होता है भुजाएं, आर्म्स का मतलब भुजाएं, इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्म्स कितना है, 5 है, ठीक। और ये जो है इस भुजाओं में क्या क्या पाए जाते हैं, तो ट्यूब फीट या नालपात जिसको कहते हैं, इसमें से जो है पानी जो है निकलता भी है, ठीक ना। पानी जो होता है अतिरिक्त इसके शरीर में, वो इस ट्यूब फीट की सहायता से बाहर भी निकलता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं आर्म्स की सहायता से क्या करता है, ये ट्यूब फीट की सहायता से क्या करता है, ये एक्सक्रीशन ऑफ वाटर भी करता है, मतलब जल का उत्सर्जन। बात समझे, जल का उत्सर्जन करता है। और इन भुजाओं में जो है ट्यूब फीट पाए जाते हैं, ट्यूब फीट का मतलब जो है इसकी जो भुजाएं होती हैं उन्हीं में जो है ट्यूब फीट पाया जाता है, मतलब अगर भुजा नहीं रहेगा तो ट्यूब फीट नहीं पाया जाएगा। भुजा के कारण ही ट्यूब फीट संभव, ऐसा मत सोचिएगा कि ट्यूब फीट अलग से है, भुजा अलग से है, भुजा में ही ट्यूब फीट। जैसे मान लीजिए हमारे आपके हाथ में जो है पसीना निकलता है, तो हाथ है तब ना श्वेत ग्रंथियां है, पसीना वाली जो संरचना है तभी ना है, हाथ नहीं रहेगा तो पसीना निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ट्यूब फीट जो है किस पे डिपेंड करता है, आर्म्स के ऊपर, भुजाओं के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। फिर जो है यहाँ पे मेड्रिपोराइट नाम का एक पार्ट पाया जाता है। मेड्रिपोराइट नाम का पार्ट जो है आपका, ये जहां पे आपकी दो भुजाएं अटैच होती हैं, ठीक ना, वहीं पर ये क्या पाया जाता है, एक किनारे पर पाया जाता है। और इनके माध्यम से जो है जल इनके शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है, मतलब मेड्रिपोराइट के माध्यम से सी स्टार या स्टार फिश में जो है जल अंदर जाता है, या हम कह सकते हैं कि स्टार फिश के शरीर में मेड्रिपोराइट नामक संरचना से जल इसके शरीर में प्रवेश करता है और निकलता किधर से, तो ट्यूब हीट से, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बाइबियम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जिन दो भुजाओं के पास, जिन दो भुजाओं के पास मेड्रिपोराइट पाया जाता है, उन दो भुजाओं को हम क्या बोलते हैं, बाइबियम। अर्थात हम कह सकते हैं इस भुजा को हम बाइबियम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये वाला जो मेड्रिपोराइट है इन सब के पास है नहीं है, वो किधर है, इन दोनों के पास है। तो जिनके पास जो है ये मेड्रिपोराइट पाया जाएगा उन्हीं दो भुजाओं को हम क्या बोलेंगे, बाइबियम। फिर बात करते हैं इसके पेट वाले भाग में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो माउथ से आप लोग से बड़का पेट पुजारी कौन है जानते होंगे, मुंह से का का काम होता है ना, मुंह का काम क्या होता है तो समझ आ गया होगा। ट्यूब फीट, ट्यूब फीट जो अभी बताए कि इसमें जो है ये नलिका का संरचनाएं होती है, और ये किसमें पाई जाती है, इसके जो पांच भुजाएं होती है उसी में ये पाई जाती है, ठीक। और इसके सहायता से क्या करते हैं,
ये जो सरफेस होता सतह होता, सरफेस माने क्या होता सतह, जैसे आप देखेंगे कि तालाब का एक सतह होता है जहां पे कोई वस्तु गिरने के बाद स्थायी हो जाती है, जब तक नहीं गिरेगा तब तक नीचे जाता रहेगा। तो ये जो सरफेस होता है उस पर पकड़ बनाने का काम करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कुछ रुकना हुआ या कुछ जो है कुछ भी काम करना हुआ तो ये ट्यूब फीट की सहायता से क्या करते हैं, पकड़ भी बनाते हैं। ठीक। और ये ट्यूब फीट जो होता संवेदी अंग का भी कार्य करता, सेंसरी ऑर्गन होता है। और इससे क्या होता है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, मतलब जल अगर प्रवेश करेगा तो निकलेगा भी, तो निकलने वाला जो पार्ट होता वो क्या होता है ट्यूब फीट, इसकी सहायता से जल भी निकलता है। ठीक। फिर जो है बात करते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव्स क्या होता है, इन्हीं भुजाओं में जो है ट्यूब फीट के पास ही जो है एम्बुलेक्रल ग्रूव पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है ये इसकी सतह पर जो है चलने में काम करते हैं ना। ऑन सरफेस ऑफ, तो यहाँ पर जो है एम्बुलेक्रल ग्रुप जो होता है ये इसकी सहायता से क्या करते हैं कि जो समुद्र की सतह होती है उसकी सहायता से चलते हैं। हालांकि ये तैरने वाला जीव भी है ना, जब तैरेगा तो ट्यूब फीट की सहायता से तैरेगा, ध्यान दीजिएगा, जब तैरेगा जल में तब किसकी सहायता से तैरेगा, ट्यूब फीट। अगर ये जो है समुद्र के सतह पर निचले भाग में जो बालू वाला भाग होता है, ठीक ना, ककड़ीला पथरीला जो होता है उस पर जब चलेगा तब किसकी सहायता से चलेगा, एम्बुलेक्रल ग्रूव की सहायता से। बात सुनिए, ये जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, आज ही छोड़ दीजिए।